देहरादून के वाटर वर्क्स परिसर में एक बार फिर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, जिससे इलाके में मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि समय रहते लीकेज सिलेंडर को नहर में फेंक दिया गया, जिससे ये हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि स्टोर में कुछ क्लोरीन गैस के सिलेंडर रखे हुए थे और नया सामान आने पर इन्हें खाली कराया जा रहा था। इसी दौरान एक सिलेंडर लीक हो गया। आनन फानन में स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। देखिए, जो क्लोरीन गैस का रिसाव तो मुख्यतः पिछली बार हुआ ही था और उसके बाद हमने क्लोरीन गैस का प्रयोग समाप्त कर दिया था। जो सिलेंडर थे हमारे, हमने हटा के उनको जो है और खाली भी करके हमने पीछे स्टोर में डाल दिए थे। कल स्टोर में ये काम कर रहे थे तो उन्हें लगा कि किसी के अंदर थोड़ी बहुत बाकी रह गई है। घरों के हमारे सिलेंडर में थोड़ी बहुत तो बाकी रह जाती है कंज्यूम करने के बाद भी, तो उसको उसमें नहर में डाल दिया गया था। आज नहर में ये देखने के लिए कि ये खत्म हो गया होगा, जब इसे हिलाया गया तो एकदम से थोड़ी सी इसमें गैस निकली, तो वही गैस थी। अब पूरा हमने उसमें कर दिया है, वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अब हम इन समस्त सिलेंडरों को यहाँ से हटा ही देंगे। आपको बता दें कि 9 महीने पहले भी वाटर वर्क्स परिसर में क्लोरीन गैस लीक हो गई थी। इस हादसे में कुछ बच्चे और पुलिस कर्मी बेहोश हो गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।